हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको साड़ी से बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर अनारकली ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिए वीडियो में पहनी हुई ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास फैब्रिक है साड़ी का, ये 5 मीटर फैब्रिक है मेरे पास। तो साड़ी की फैब्रिक में से सबसे पहले जो मैं ये ब्लाउज़ का पीस है उसे अलग कर दूंगी। तो देखिए मैंने ब्लाउज़ का पीस अलग कर दिया है। इसके बाद जो बॉर्डर लगे हुए हैं साड़ी के दोनों तरफ, वो उनको भी मैं अलग कर लूँगी। इस बॉर्डर को मैं यूज़ करूँगी घेर में लगाऊँगी। तो देखिए मैंने 4 फोल्ड करके जो फैब्रिक को रख लिया है, ये 4 फोल्ड किया हुआ है मैंने फैब्रिक। तो सबसे पहले मैं कटिंग करूँगी स्कर्ट पार्ट की। स्कर्ट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम अपने कमर का 1/4 भाग लेंगे प्लस 1 इंच लेंगे। 1/4 भाग बनेगा 32, मेरी कमर का साइज़ है, तो 8 इंच प्लस 1 इंच 9 इंच पर जो मैंने मार्किंग कर ली है ऊपर। नीचे मैंने 46 इंच पर मार्किंग की है। 15 इंच की जो है मैं टॉप की पार्ट की कटिंग करूँगी, तो मैंने 15 इंच ऊपर निकालने के बाद मार्किंग के जहाँ पर मार्किंग की है 15 इंच ऊपर निकाल लेना है वहाँ से। नीचे से आपने 46 पर रख के मार्किंग कर लेनी है और उस पर कर लेनी है कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 4 पार्ट जो है कट हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर घेर बन गया है इसका, फुल घेर बनेगा अम्ब्रेला का। और नीचे मैं ये बॉर्डर लगाऊंगी जो हमने फर्स्ट टाइम कट किया था। ऐसे आपने रख के ज़रूर अम्ब्रेला को सेट कर लेना है, नहीं तो वो साइड से है जो बढ़ने लगता है साइडों को ना, तो आपने ऐसे ज़रूर कट करने के बाद सेट कर लेना है। सेंटर में से रखते हुए साइड में ज़रूर कट करना है। ऐसे कट करने के बाद बहुत अच्छा जो शेप आता है अम्ब्रेला का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अब लाइनिंग भी कट कर ली है मैंने अम्ब्रेला की। तो अम्ब्रेला की कटिंग जो लाइनिंग की मैंने की है, वो भी फुल घेर 4 फोल्ड करके ही अम्ब्रेला की कटिंग की है लाइनिंग की भी। तो देखिए यहाँ पर रख के मैं सिलाई लगा लूँगी लाइनिंग के ऊपर। अब मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। टॉप पार्ट की कटिंग मैं सबसे पहले जो करूँगी, मैं करूँगी लाइनिंग के ऊपर। लाइनिंग कट की है मैंने। लाइनिंग कट करने के बाद ये दोनों पार्ट मैंने कट कर लिए हैं लाइनिंग के। ये फ्रंट का पार्ट हो गया है, ये बैक का पार्ट हो गया है। दोनों पीसों को कट करने के बाद देखिए ये कर ली है मैंने मार्किंग लाइनिंग के ऊपर। तो मैंने 15 इंच रखी है लंबाई, 15 इंच लंबाई रखी है। 9.5 इंच मैंने जो बस्ट का साइज़ रखा है, और जो वेस्ट का साइज़ है मैंने 8 इंच रखा है, क्योंकि मेरा 32 इंच मेरी वेस्ट का साइज़ है। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी टक्स के लिए, एंड 2 इंच रखूँगी मैं एक्स्ट्रा मार्जिन। 1 इंच ऊपर को रख के हमने निशान लगाना है, और तीरा रखेंगे हम 6.5 इंच। 6.5 इंच तीरे के बाद 7 इंच मैंने मुड्ढा रखा है। 1-1 इंच की जो है मैंने शेप दी है। फ्रंट 6 इंच रखा है। 1-1 इंच की शेप देने के बाद मैंने गुलाई दे दी है। मैंने जो तीरा रखा है 6 इंच, मैं बैक नेक 10 इंच रेडी करूँगी, इसीलिए मैंने 1-1 इंच की मोड़े पे शेप दी है। मोड़े पे शेप हमेशा 1 इंच की देनी चाहिए जब आपने गला ब्रॉड रखना हो। अगर रखना हो आपने गला छोटा, तो आपको जो है 1.5 इंच की और 2.5 इंच की शेप देनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लिया है। बैक पार्ट मैंने कटिंग कर ली है। ऐसे ही मैं अब फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी। जो ये फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, वो मैं फैब्रिक यूज़ किया है जो ब्लाउज़ का पीस का फैब्रिक था वो यूज़ किया है। तो देखिए ये मैं सबसे पहले कटिंग कर लूँगी बैक नेक की। बैक नेक मैं चोर्स बनाऊंगी। नीचे से मैं 3 इंच रखूंगी, ऊपर 2.75 3 इंच का मैं जो है ऊपर से चौड़ाई रखूंगी, विड्थ रखूंगी नेक की। तो देखिए ये कट कर लिया है मैंने, बैक नेक कर लिया है। तो इसे मैंने चिपका लिया है, बैक नेक को चिपका लिया है मैंने लाइनिंग के ऊपर। इसको मैं मेन फैब्रिक के ऊपर ऐसे रख लूँगी, और रखने के बाद लगा लूँगी सिलाई। सिलाई लगा के मैं इसे पलटा दूँगी। इसे फैब्रिक के ऊपर रख के चिपकाने के बाद लगाने की लोड़ नहीं, क्योंकि देखिए मैंने ऐसे रख के इसके ऊपर चौड़ी लेस लगानी थी जिससे ये दिखाई नहीं देगा। तो देखिए आपने जब लेस लगानी है तो आपने ऐसे लगानी है, आपने लगाना है सबसे पहले ऐसे साइज चेक करके मार्क लगा लेना है। मार्क लगाने के बाद आपने ऐसे कॉर्नर में से सिलाई लगानी है, ऊपर से टॉप से लगाने के बाद ऐसे बहुत ईजी से आपकी जो है लेस लग जाएगी बैक नेक पर
चोर्स लेस लगानी, थोड़ी शेप अच्छी नहीं आती। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे आप लगा लेना। तो देखिए ये टक्स हैं, जो टक्स को भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। टक्स भी रेडी कर लिए हैं दोनों तरफ मैंने, ये सिलाई लगा ली है। फ्रंट पर भी ऐसे ही लगाई है और बैक पर भी ऐसे ही लगाई है, दोनों तरफ मैंने लगा के कर ली है रेडी। तो देखिए बैक नेक रेडी हो चुका है मेरा, 10 इंच नेक रेडी है। ऐसे ही मैं फ्रंट जो नेक है वैसे ही मैंने रेडी कर लिया है। मैंने 7 इंच रखी है इसकी गहराई, और जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच रखी है, 5.5 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स आगे नेक रेडी हो चुका है, ये मैंने लेस भी लगा ली है, अंगरखा स्टाइल में इसे रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गोटा पत्ती, और ऐसे आपने नेक के साथ साथ लेस लगा लेनी है। तो देखिए फ्रंट पार्ट को भी मैंने कर लिया है बिल्कुल रेडी। तो अब फ्रंट पार्ट रेडी करने के बाद मैं बैक पार्ट ऊपर रख के टॉप पर लगा दूँगी इसकी सिलाई, फिटिंग की जो भी होगी, जितनी भी आपकी फिटिंग हो आपने वैसे ही ऐसे सिलाई लगा लेनी है इसे। सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये हो चुका है रेडी, टॉप का पार्ट तो हो गया है रेडी। अब हम जो है स्कर्ट का पार्ट करेंगे रेडी। स्कर्ट को करेंगे इसके साथ अटैच टॉप के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने सिलाई लगा ली थी लाइनिंग के साथ, मैंने फ्रंट पार्ट की जो मेन फैब्रिक है उसको अटैच कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर ऐसे रख के मैंने सिलाई लगा ली है टॉप पार्ट के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो चुका है रेडी। अब हम इसके जो घेर हैं घेर को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये घेर को भी मैंने सिलाई लगा ली है लाइनिंग को। अब हम बैक में जो इसके लटकन रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ऐसे फैब्रिक ले लिया है, फैब्रिक लेने के बाद मैंने ये 30 इंच पे निशान लगा लिया है। इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आप इसे दूसरे फैब्रिक पर रख के भी ऐसे ही कटिंग कर लीजिए। तो देखिए ये दो पार्ट रेडी हो चुके हैं। तो ये टाइज रेडी कर ली है बैक के लिए मैंने। तो इसे सिलाई लगाने के बाद आपने ऐसे पलटा लेना है। देखिए पलटा लिया है, प्रेस कर लिया है। अब 3 इंच पर लगा लेना है आपने निशान। निशान लगाने के बाद आपने लगा देनी है सिलाई इस पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी हो गया है रेडी, ये टाई रेडी हो चुकी है बैक नेक की। तो देखिए कितना सुंदर बन के रेडी हो गया है। तो अब हम बाजू रेडी करेंगे। बाजू रेडी करने के लिए फ्रेंड्स ये मैंने देखिए 4 पार्ट में मैंने फैब्रिक को रख लिया है। पफ स्लीव बनाएंगे हम, तो हम 22 इंच लंबाई रख लेंगे इसकी, 22 इंच हम लेंथ रख लेंगे। बाजू की कटिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं, इसमें सिर्फ आपको बढ़ा के रखना होता है। तो 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिससे हम पफ रेडी करेंगे। तो यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग करने के बाद ऐसे आप निशान लगाना है नॉर्मल, जैसे हम अपने बस्ट का साइज़ के अकॉर्डिंग आप मार्किंग करते हो ऐसे ही आपने फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे लगा लेना है आपने निशान, और देखिए ऐसे आपने शेप देते हुए जहाँ पर हमने 4 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से आपने हल्की 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 शेप दे देनी है हल्के हाथों से। तो ऐसे हम करेंगे पफ रेडी, पफ वाली स्लीप रेडी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लगा लेंगे हम कट, फ्रंट की दे देंगे हम यहाँ से कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने प्लेट्स बना ली हैं, छोटी छोटी सी चुन्नटें बना ली हैं, इसको हम यहाँ पर सूट के साथ स्टिच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसे स्टिच करूँगी। आपने सेंटर को, शर्ट के सेंटर को बाजू के सेंटर के साथ रख के अटैच करना स्टार्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने दोनों तरफ अटैच कर ली है, दोनों बाजू रेडी कर ली हैं। देखिए कितनी सुंदर बन गई। अब नीचे हम लगाएंगे बॉर्डर, तो अम्ब्रेला घेर में हम बॉर्डर लगाएंगे जो हमने कटिंग किया था। देखिए मैंने ये अटैच कर दिया है, ऊपर मैंने लगा दी है ये गोटा पत्ती की लेस, और ये मैंने यहाँ पर डोरी भी बना दी है, और साथ साथ में अंगरखा स्टाइल मैंने सारा ही लेस लगा के बहुत अच्छा सुंदर सा रेडी कर दिया। तो ये इसकी फाइनल है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी अनारकली सूट की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए ये दुपट्टा भी मैंने रेडी किया है, इसमें से जो बॉर्डर निकला था, तो इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट डाल दूंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। प्लीज़ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।